मुझे अभी भी हमारा संविधान में भरोसा है, बट जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलेड, दिस इज फेक केस, कंप्लीटली फेक केस। ये है सिद्दीकी कप्पन। पेशे से पत्रकार सिद्दीकी और उनके तीन साथियों को शांति भंग करने के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। आगरा की एक अदालत ने ये आरोप खारिज कर दिए। यूपी पुलिस निर्धारित 6 महीने के अंदर ना ही अपनी जांच पूरी कर सकी और ना ही कोई ऐसा सबूत पेश कर पाई जिससे साबित होता हो कि सिद्दीकी और उनके साथी यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे थे। कोर्ट ने कप्पन के साथ मसूद अहमद, अतीकुर रहमान और मोहम्मद आलम को भी इन आरोपों से मुक्त कर दिया है। एक वायरल वीडियो में कप्पन इस पूरे केस को फर्जी बता रहे हैं। फेक केस, ठीक है, जस्टिस नहीं मिल रहा आपको? क्या जस्टिस चाहते हो तुम? क्या जस्टिस चाहते हो? जस्टिस चाहिए मुझे अभी भी। हाँ। हमारा संविधान में भरोसा है, बट जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलेड, दिस इज फेक केस, कंप्लीटली फेक केस। केरल के रहने वाले पत्रकार कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो यूपी के हाथरस में गैंगरेप और जानलेवा हमले की शिकार हुई दलित लड़की के परिवार से मिलने जा रहे थे। उस समय हाथरस केस ने जबरदस्त तूल पकड़ा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस ने कहा कि इस बहाने यूपी में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। इस कड़ी में कप्पन और उनके साथियों को दिल्ली से हाथरस जाते हुए बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। शांति भंग करने की साजिश के अलावा यूपी पुलिस ने इन सभी पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया था। दावा किया गया कि कप्पन चरमपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है, लेकिन अब अदालत ने पुलिस की कार्यवाही को ही रद्द कर दिया है और यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों कप्पन और उनके साथियों पर झूठे आरोप लगाए गए? वो कौन था जिसने ऐसी कहानी बनाने का आदेश दिया? और क्या ये कहानी इसीलिए बनाई गई कि हाथरस केस को दबाया जा सके? और क्या इस फजीहत के बाद यूपी पुलिस और योगी आदित्यनाथ सरकार कप्पन और उनके साथियों से माफी मांगेगी? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।